जिसका प्रदेश की राजनीति में मतदाता किस पर लगाएंगे अपना दांव, योगी खिलाएंगे फूल या अखिलेश की दौड़ेगी साइकिल या पंजा दिखा पाएगा अपना दमखम, हाथी की रफ्तार बढ़ेगी या झाड़ू अपनी उम्मीद पर खरा उतर पाएगी, जानने के लिए देखिए राजनीतिक चस्का। राय पर होगा वार, अब की बार बनेगी बहन मायावती की सरकार, बेरोजगार युवकों को मिलेगा रोजगार, किसानों को मिलेगा आवारा जानवरों से मुक्ति। 208 विधानसभा भोगनीपुर से बहुजन समाज पार्टी से जुनैद पहलवान एडवोकेट को चुनाव चिन्ह हाथी वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। दो सौ आठ विधानसभा भोगनीपुर से बसपा प्रत्याशी जुनैद पहलवान ने किया अमरौधा भोगनीपुर और पुखराय आदि क्षेत्र के गांवों का किया खरगर जनसंपर्क, क्षेत्र की जनता द्वारा बरसाया गया फूल। बसपा प्रत्याशी जुनैद पहलवान ने ग्रामों से बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में मांगा सहयोग। जनपद कानपुर देहात के 208 विधानसभा भोगनीपुर से बसपा प्रत्याशी जुनैद पहलवान ने अपने समर्थकों के साथ भोगनीपुर पुखराया तथा अमरौधा गांव में जाकर के घर कर संपर्क किया। जुनैद पहलवान ने भोगनीपुर की जनता से बहन मायावती के विचारों से अवगत कराया और लोगों से बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का सहयोग मांगा। लोगों ने जुनैद पहलवान को माला पहना कर सम्मान दिया और बहन मायावती के विशाल जनसभा को सफल बनाने का भरोसा दिया। जनसंपर्क अभियान में उमा शंकर तिवारी, गुड्डे कुरैशी, प्रधान हरदुआ, मुकेश कठेरिया, जितेंद्र संखवार, विपिन सचान, संजीव सचान, ब्रह्म स्वरूप संखवार, डॉक्टर मुन्ना गौतम, डॉक्टर सुघर लाल गौतम, नगर अध्यक्ष अनुप कुमार पाल, मोतीलाल पाल आदि सर्व समाज के लोग साथ रहे। सभी ग्रामों ने जुनैद पहलवानों को भोगनीपुर से विधायक बनाकर बहन मायावती को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट।